या जो हमारे डॉक्टर इस्लाम भाई हैं माशाल्लाह, बहुत प्यार भी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपसे वाबस्ता भी हैं, क्या आप इन्हें ये मशवरा देंगे कि माह रमज़ान भी है और महंगाई है, क्या वो अपने जो भी इलाज के है मामला और फीसों के मामला थे उसमें कुछ ना कुछ, जैसे कि उमूमन दुकानों पे रमज़ान डिस्काउंट होता है, तो ऐसा कोई रमज़ान का कोई सस्ता कोई सिलसिला ऐसा शुरू करें कि मरीज़ों को ऐसा हो कि यार मतलब ऐसे अखराजात बढ़ जाते हैं तो इलाज में डॉक्टर साहब ने एक ऐसा किया और एक चंद एक डॉक्टर अगर ये लेकर चलें और इसका ऐलान भी हो या दवा खाने पे लगा भी हो कि माह रमज़ान में जैसे कि 200 रुपये फ़ीस थी तो माह रमज़ान में हमने 150 या 100 रुपये फ़ीस कर दी है, ऐसा होना चाहिए। ये अगर हो जाए तो गरीबों को कुछ ना कुछ सुकून मिलेगा। खाली डॉक्टर नहीं, डॉक्टर फीस 50% आप डिस्काउंट दे दें क्या लोगों बात को, है, दवा वाले जो मेडिकल स्टोर वाले, जो खाली डॉक्टर नहीं है ना, दवाएं, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, बेड, लेबोरेटरी, ये सारे मतलब रमजान पैकेज, रमजान पैकेज दवा बेचने दिन, क्योंकि इनका माल लगता है, डॉक्टर का माल कितना लगता है, तो ये 50% कर सकते हैं। नहीं करना तो जवाब हजार होंगे इनके पास, जी है? करना अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए कि माह रमजान इस तरह मनाया, गरीबों को राहत दी। क्या सैयद करके भी कुछ लिख मैं सकते बोलने वाला था यार, सही बोल, मेरे मुंह के अल्फाज आपने ले लिए, लिख कर लगा दें अगर हैं? तो लगता है ना, सैयद को रमजान में कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आए है। और जितने सैयदों का इलाज करें ना आप, सब पैसे मेरे से ले लेना। वाह, और बोलो, आपको यूं लगेगा ये कहां से देगा, वाकई में नहीं दे सकता, मैं मोहब्बत में बोल रहा हूं, दे नहीं सकता मैं। अब मैं एक कंगाल आदमी ऐसी बात कर सकता हूं, तो आप तो यार पैसे वाले लोग हैं, साहिब माल है, हिम्मत करें, अल्लाह के रसूल की औलाद के साथ आप एहसान करेंगे तो इनके नाना जान आपको यूं नहीं छोड़ेंगे, दुनिया में भी नवाजेंगे और वो आपको ढूंढते ना ढूंढ लेंगे कि कहाँ है वो डॉक्टर, कहाँ है वो मेडिकल स्टोर वाले, कहाँ है जैसे मेरे बेटे को मुफ्त दवाएं दी थी, वो आ जाए भाई ले आओ फिर रिश्तों ले आओ, इनको कहाँ है आके मत डॉक्टर और ये सस्ता बेचने वाले जो है आके दामन मुस्तफा में छुपते रहेंगे। या अल्लाह पाक, जो डॉक्टर पूरे माह रमजान में अपनी फीस आधी कर दे और सैयदों को फ्री चेकअप करे, इसको इससे पहले मौत ना देना जब तक सैयदों के नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत ना कर ले, और कयामत में सैयदों के नाना जान की इसे शफाअत नसीब करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो मेडिकल स्टोर वाला भी इसमें रियायत करे, और जो लेबोरेटरी वाले भी इसी तरह करें, आधा कर दें, सैयदों को फ्री कर दें, फ्री नहीं कर सकते तो इनको भी आधा कर दें, आधे से कुछ और कम कर दें, और इस तरह रियायत करें, मेडिकल स्टोर वाले भी रमजान का खुसूसी पैकेज करें और रियायत करें इनके हक में भी, और मेडिकल से जिस जो भी रिलेटेड है जो भी इस तरह की रियायतें करें, अल्लाह पाक इन सब के हक में ये दुआएं कबूल फरमा, आमीन बिजाह खातम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।